जब ईमान बिगड़ जाए तो भ्रष्टाचार किस कीमत पर किया जाएगा, ये भी सोचना मुनासिब नहीं समझते सरकारी मुलाजिम। कानपुर नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी के नाम पर ही एक ऐसा खेल चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर उत्तर प्रदेश का वो शहर जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। आबादी के लिहाज से यहां 27 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसी आबादी का तकरीबन 10% यहां कुत्ते भी रहते हैं। ये चौंकाऊ आंकड़ा हमारा नहीं, नगर निगम का है। कुत्तों की जिन बिरादरी की बात हो रही है वो आवारा किस्म की है, और ये बिरादरी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। यही वजह है कि नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं। इसी रफ्तार से अगर कुत्तों की आबादी बढ़ती रही तो निगम मान रहा है कि शहर में कुत्तों का बोलबाला होगा। फिर न केवल यह आपको धमकाते चलेंगे, जरा इधर उधर करने पर काट भी लेंगे। जख्मी इंसान नगर निगम को कोसेगा और अपनी किस्मत को। बस इसी कल्पना से खौफ खाकर नगर निगम ने कुत्तों की फौज को काबू में करने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसके लिए फैसला हुआ कुत्तों की नसबंदी करने का। इसके लिए बकायदा बजट बनाया गया और दिल्ली की एक संस्था फ्रेडी कोज सेसा को ठेका दे दिया गया है शहर भर के कुत्तों की नसबंदी करने का, सभ्य भाषा में कहें तो सर्जरी करने का। इस संस्था को प्रति कुत्ते 975 रुपए का भुगतान किया जाना था। इस ठेके को 9 महीने पहले संस्था को दिया गया था। संस्था ने 9 महीने में दिन रात एक करते हुए कुल 4600 कुत्तों की सर्जरी कर दी। इस मेहनत में लॉकडाउन के वो महीने भी शामिल हैं जिसमें पुलिस और जरूरी सेवाओं को छोड़कर आदमी नहीं सिर्फ कुत्ते ही सड़कों पर घूम रहे थे। ये तंज नहीं हकीकत है। कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक है, लिहाजा इन कुत्तों का आतंक कम करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई है, और यही वजह है कि कानपुर में कुत्तों को यहाँ पर पकड़ के लाया जाता है और उसके बाद उनकी जो प्रोसेस है, जो सर्जरी है, वो की जाती है। वहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो जो नगर निगम के आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 1.5 से 2 लाख जो आवारा कुत्ते हैं वो यहाँ पर हैं, और उसके लिए ये टेंडर दिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं कानपुर में इस टेंडर के नाम पर भी एक घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की एक फर्म को ये टेंडर मिला है वो 975 रुपये पर कुत्ते के हिसाब से वो ऑपरेशन करती है और उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, लेकिन जो यहाँ का रेशियो है वो बहुत कम है। आपकी कंफ्यूजन अगर बढ़ गई हो तो उसे दूर कर दें। असल में ये एक खुला घोटाला है जो शहर में कुत्तों के नाम पर निगम कर रहा है, क्योंकि दिल्ली की जिस संस्था का जिक्र हमने किया उसे महज 4600 कुत्तों की सर्जरी के 26 लाख रुपए भुगतान के तौर पर दे दिए गए हैं। इन कुत्तों की सर्जरी करने वाले डॉक्टर की माने तो महीने का लक्ष्य 1000 कुत्तों की सर्जरी का रखा गया है। धीरे धीरे, जैसे कि अब ये एकदम फास्ट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि धीरे 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 अब 1000 पर मंथ के हिसाब से हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब उसमें बहुत, उससे पॉपुलेशन का बहुत कंट्रोल हो रहा है, और हम एंट्रेबीज और उसके इंजेक्शन जो भी लगता है उससे इनका जो डॉग का रेबीज वेबीज उसका भी बहुत मतलब अच्छा इफेक्ट है, कि ताकि डॉग किसी को बाइट कर ले या वो है तो उनका इसका अच्छा है। अगर इस टारगेट को पकड़ कर चले तो ये माना जाए कि अगले 20 साल तक ये मुहिम चलती रहेगी, तब जाकर कुत्तों की फौज पर काबू पाया जा सकेगा। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि भौंकने से ज्यादा खतरा काटने से है। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।